दगाहों में बैठा हूँ। और मीडिया पे विश्वास ना करें, मीडिया पे भरोसा ना करें। मीडिया आपके भाई को आतंकवादी घोषित करना चाहती है, क्योंकि आपके भाई के खिलाफ वो षड्यंत्र बड़े लेवल पे हो रहे हैं। वो षड्यंत्र आपके सामने, मीडिया बिका हुआ है, अधिकारी बिक रहे हैं। और लेकिन एक चैनल ने चलाया था, लोग भी उनके भाग गया। मैं रामदेव नहीं हूँ, मैं नरेश मीणा हूँ। भागना डरना ये जहन में नहीं है। रात को जब थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी, बेहोशी की कंडीशन था, कुछ लोग उठाकर मेरे को दूर ले गए थे। वापिस सुबह यहाँ आया हूँ, यहाँ बैठा हूँ गाँव में। फोर्स बाहर खड़ी है, फोर्स ने पूरे गाँव की नाकेबंदी कर रखी है। गाँव में किसी को बाहर के सारे कच्चे पक्के रास्ते बंद कर दिए फोर्स ने, किसी को गाँव में आने नहीं दे रही है। मेरी आप सबसे एक अपील है, फोर्स ने इस गांव की नाकेबंदी करी है, आप इस पुलिस फोर्स की चारों तरफ से नाकेबंदी कर दो। अलीगढ़ से लेकर हाईवे से लेकर सारे क्षेत्र को नाकेबंदी कर दो। और इस फोर्स को हम कल रात को हमने जवाब इनको यहाँ समरावता में दिया, और आज हम फिर से फोर्स को जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं आज फिर से कह रहा हूँ, मैंने जो एसडीएम में थप्पड़ मारी है, उसका जुर्म स्वीकार मैं करता हूँ। उसके लिए मैं मुलजिम बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ना तो मैंने गिरफ्तारी से भागा, मैं गिरफ्तारी से नहीं भागा। मुझे पुलिस ने कोई गिरफ्तार नहीं किया था, पुलिस ने मुझे जीप में बिठा लिया था। लेकिन जीप पर हमला हुआ, लाठी बांटा हुआ, तो पुलिस मुझे छोड़ के भाग गई थी। और उसके बाद इस जीप में जब ये चाहते थे कि मैं भी उस जीप में चल जाऊँ, इसलिए मैं अकेला था, जीप में से निकला। मैंने उस जीप में एक ड्राइवर था पुलिस वाला, उसको निकाला, उसको बचाया। उसके बाद उस जीप में आग लगी थी। उसके बाद सारा आपको पता है कैसे हमारे साथियों ने मोर्चा खोला, पुलिस को खदेड़ा, पुलिस को भगाया। और उस पुलिस ने बाद में मिर्ची बम का और आंसू गैस का गोले फेंके, उससे हमारे सारे साथी, उनकी जो मिर्ची बम की आंखें बंद हो गई थी, बेहोशी कंडीशन में सारे लोग चले गए थे। उसके बाद भी हमारा एक भी बंदा डरा नहीं, हमारा एक भी बंदा कमजोर नहीं पड़ा। हमारे सारे युवा साथियों ने बहुत दमखम से अपना मोर्चा खोला है। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ, 72 गुजर अपने अधिकारों के लिए शहीद हो गए थे, 72 गुजर अपने अधिकारों के लिए शहीद हो गए थे। एक भी गुजर ने ये नहीं कहा था कि कर्नल साहब ने हमें मरवा दिया। मैं चाहता हूँ मेरा समाज मर्द बने, मेरा समाज दिलेर बने, दमदार बने। अगर मेरे समाज पर कोई उंगली उठाएगा, आंख ऊंची करेगा, तो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, उसको जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा।